जब बड़े लोगों के घर में बेटियां होती हैं तो 6 साल के उम्र में वो घर से बाहर भी नहीं निकलती, अगर जाती भी हैं तो वो प्ले स्कूल में जाती हैं और वो खिलौनों से खेलती हैं, लेकिन ये 6 साल की बच्ची एक पतले रस्सी पे अपने जान को दांव पे लगा के कर्तव्य दिखा रही है ताकि कुछ पैसे कमाए जा सके और इनके घर का भरण पोषण चल सके, इनका पेट चल सके। कि क्यों, आखिर क्यों 6 साल के बच्ची को एक रस्सी पे चल के कर्तव्य दिखाना पड़ रहा है? क्या ये इंटरटेनमेंट का साधन है? क्या ये लोगों को आकर्षित कर रही है अपने ओर? क्या ये लोगों को इंटरटेन कर रही है? तो मेरे अंदर से जवाब आया कि नहीं। जब मैंने इनकी माँ से बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग अपने रोजी रोटी के लिए ये कर रहे हैं, अपने पेट के लिए कर रहे हैं, और अगर ये 6 साल की बच्ची इस पतली से रस्सी पे चढ़ के तमाशा ना दिखाए तो लोग एक पैसा भी इस बच्ची को नहीं देंगे और सिर्फ ऐसे ही गुजर जाएंगे। और कि अगर इन बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला होता तो शायद इन्हें बाजारों में और मेलों में जाके अपना कर्तव्य इसलिए नहीं दिखाना पड़ता कि ये कुछ पैसे कमा सके, बल्कि ये कर्तव्य अपना इसलिए दिखा पाती ताकि किसी गेम में इनका सिलेक्शन हो जाता, ओलंपिक में ये जाती और अपना कर्तव्य दिखा। कहाँ से आए हैं आप लोग? छत्तीसगढ़ से। ऐसे ही घूम घूम के मेला में आप कर्तव्य दिखाती हैं? हाँ। अच्छा, कितना दिन से बच्ची काम कर रही है ऐसे? 2 साल से। इसको देख के लोग पैसा वैसा देता है, उसी से घर वगैरह चलता है? वो तो अपना मर्जी है सर, देने वाला दे देता है, नहीं देने वाला कुछ भी नहीं देता है। अपना मर्जी, ऐसे ही देख के चले जाते हैं? चले जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर आपको साइकिल नहीं मिलती है, जब आप रोते हैं अपने घर पे ये शिकायत करते हैं, तब आपको ये दृश्य याद करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आपकी किस्मत कैसी है और इस बच्ची की किस्मत कैसी है कि एक छोटी बच्ची को जो है वो पतले रस्सी पे चल रही है और आपके घर के बच्चे जो है वो घरों में रहते हैं। बताइए, अमूमन तौर पे मेला में लोग इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, सिनेमा देखें, पशु मेला में आए हैं तो पशुओं को देखें, अगर झूला पे झूलना है तो झूला झूलेंगे। हम लोग भी अमूमन तौर पे यही कर रहे थे, पहले पशु मेला में गए थे, वहाँ पे हमने घोड़े देखे, गाय देखी, लेकिन जब हम यहाँ पे झूला झूलने के लिए आए तब हमने देखा कि एक पतली रस्सी पे एक लड़की अपना कर्तव्य दिखा रही है। बाकी कुछ लोग इसको देख के खुश होंगे, कुछ लोग वाह वाह करेंगे और कहेंगे कि कितना टैलेंट भरा है इस लड़की में कि एक पतले रस्सी पे ये चल के और पूरा कर्तव्य दिखा रही है। लेकिन जब मैंने इसे देखा तो मेरे अंदर से एक आवाज़ निकली कि क्यों, आखिर क्यों 6 साल के बच्ची को एक रस्सी पे चल के कर्तव्य दिखाना पड़ रहा है? क्या ये इंटरटेनमेंट का साधन है? क्या ये लोगों को आकर्षित कर रही है अपने ओर? क्या ये लोगों को इंटरटेन कर रही है? तो मेरे अंदर से जवाब आया कि नहीं। जब मैंने इनकी माँ से बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग अपने रोजी रोटी के लिए ये कर रहे हैं, अपने पेट के लिए कर रहे हैं, और अगर ये 6 साल की बच्ची इस पतली से रस्सी पे चढ़ के तमाशा ना दिखाए तो लोग एक पैसा भी इस बच्ची को नहीं देंगे और सिर्फ ऐसे ही गुजर जाएंगे और मेरा जो जीविका है वो रुक जाएगा, जो मेरा परिवार है वो खाना नहीं खा पाएगा। एक बार इस लड़की को देख लीजिए, इसकी उम्र जो है महज 4 से 5 साल होगी या 6 साल होगी। जब बड़े लोगों के घर में बेटियां होती हैं तो 6 साल के उम्र में वो घर से बाहर भी नहीं निकलती, अगर जाती भी हैं तो वो प्ले स्कूल में जाती हैं और वो खिलौनों से खेलती हैं, लेकिन ये 6 साल की बच्ची एक पतले रस्सी पे अपने जान को दांव पे लगा के कर्तव्य दिखा रही है ताकि कुछ पैसे कमाए जा सके और इनके घर का भरण पोषण चल सके, इनका पेट चल सके। बाकी किस प्रकार से हमारे बिहार सरकार ने, भारत सरकार ने किस प्रकार से गरीबी पे काम किया है ये तस्वीर काफ़ी है। दूसरा पहलू ये है कि अगर इन बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला होता तो शायद इन्हें बाजारों में और मेलों में जाके अपना कर्तव्य इसलिए नहीं दिखाना पड़ता कि ये कुछ पैसे कमा सके, बल्कि ये कर्तव्य अपना इसलिए दिखा पाती ताकि किसी गेम में इनका सिलेक्शन हो जाता, ओलंपिक में ये जाती और अपना कर्तव्य दिखा पाती। बाकी हम इनकी माँ से आपको मिलवाएंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों इन्हें 6 साल की बच्ची को रस्सी पे लाना पड़ा और ये कर्तव्य दिखाने को मजबूर है। क्या नाम है आपका? मेरे भाई से बात कर लीजिए। अच्छा, कहाँ है भाई आपके? मेरे भाई है, उससे बात कर लीजिए। भाई से बात कर ले। अच्छा, वो भाई है आपके, तो वो तो बच्ची के साथ है ना? वो मेरा भाई है, उसकी भांजी है, इसका पति है, इसकी घरवाली। खाली आप ये बता दीजिए कि बच्ची कितना दिन की है? 9 साल की है। कहाँ से आए हैं आप लोग? छत्तीसगढ़ से। ऐसे ही घूम घूम के मेला में आप कर्तव्य दिखाती हैं? कितना दिन से बच्ची काम कर रही है ऐसे? 2 साल से। इसको देख के लोग पैसा वैसा देता है, उसी से घर वगैरह चलता है? वो तो अपना मर्जी है सर, देने वाला दे देता है, नहीं देने वाला कुछ भी नहीं देता है। अपना मर्जी। ऐसे ही देख के चले जाते हैं? चले जाते हैं। अच्छा, कहाँ आप घूम चुकी हैं अभी तक? बहुत से शहर घूमे हैं, पटना, मुजफ्फरपुर, सोनपुर, ऐसे घूमते रहते हैं। ऐसे हमेशा घूमते रहते हैं और बच्ची कर्तव्य दिखाती है।
समझिए आप कि ये लोग बहुत सारे शहरों में घूम चुके हैं और सिर्फ इसलिए ताकि बच्ची करतब दिखाए और उससे जो पैसे आए उससे इनका घर चले। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जिस उम्र में बच्ची पढ़ती है, जिस उम्र जो उम्र बच्चों को खेलने का होता है, उस उम्र में अगर कोई पतली सी रस्सी पे चढ़ के और करतब दिखा रहा है तो उसकी मजबूरी कितनी होगी, वो किस मजबूरी से ये काम कर रहा होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति 5 से 6 साल की उम्र में वो खेलने कूदने का उम्र होता है और ऐसे उम्र में कोई बच्चा काम कर रहा है और ये काम नॉर्मल काम नहीं है। ये पतली रस्सी पे चलना, जान जोखिम में डाल के करतब दिखाना, कितना मजबूरी में कोई काम करता होगा। तो अगर आपको आपकी ज़िंदगी में अगर आपको साइकिल नहीं मिलती है, जब आप रोते हैं अपने घर पे, ये शिकायत करते हैं, तब आपको ये दृश्य याद करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आपकी किस्मत कैसी है और इस बच्ची की किस्मत कैसी है कि एक छोटी बच्ची को जो है वो पतले रस्सी पर चल रही है और आपके घर के बच्चे जो है वो घरों में रहते हैं। बताइए एकदम, जो भैया आप एकदम सही बोले। अब जब भी हम मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम आए हैं और मतलब मेरे लाइफ में मतलब यहीं के मतलब 25-30 किलोमीटर हम दूर के हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम यहाँ पे आए हैं और ये जो बच्ची कर रही है ना बहुत अलग कर रही है और मेरा हमको ना देख कर के ये बहुत खुशी हुआ कि ये बच्ची बहुत अच्छा कर रही है और ये देख कर के मतलब दुखी भी हुआ कि मतलब पढ़ने लिखने का उम्र है। 6 साल के बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, घरों में खेलते हैं, प्ले स्कूल में जाते हैं और ये बच्ची जो है एक पतले रस्सी पे करतब दिखा रही है ताकि थोड़े पैसे कमा सके। कितना अंतर है जीवन, बहुत बहुत ज़्यादा अंतर है भैया, बहुत ज़्यादा। हमको बहुत दुख लगता है, बहुत मतलब रोने का भी अंदर से आ रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं हम भी। वैसा कुछ पैसा वाले हैं नहीं कि हम कुछ भी कर सकें। ठीक है, समझिए आप, लोग संवेदनाएं दे सकते हैं, हम संवेदनाएं दे सकते हैं, लेकिन हमारे देश की यही हकीकत है कि जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो अपना घर चलाने के लिए जान जोखिम में डाल के भी काम करते हैं और ये बात सरकारों को समझनी चाहिए कि या तो इन्हें कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए या इनके लिए ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की जानी चाहिए कि लोग ऐसे जान जोखिम में डाल के काम ना कर सके। हम अभी सोनपुर मेला में हैं, मेरा नाम है ऋषभ, आप छपरा अपडेट देख रहे थे, कैमरे के पीछे सुधीर है, बहुत बहुत धन्यवाद।